Hey guys, welcome back to my channel. This is Shweta Sablok and today we are going to create this makeup look. Yes, this makeup look which is very natural and you can carry for your office, for your nearby gathering, for your kitty party. ये लुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको मेकअप नेचुरल पसंद है, मेकअप करना पसंद है बट इन ए नेचुरल वे. बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए. तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. तो पहले हम अपने फेस को प्रिपेयर कर लेते हैं मेकअप करने के लिए. आई टेक माई रोज वाटर टू क्लीन अप माई फेस. Then I'll take my moisturizing cream. मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए फेस को रेस्ट देंगे, उसके बाद हम अपना मेकअप शुरू करेंगे. अब 10 मिनट हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोसीजर. अभी मैं यहाँ अपने फेस पर प्राइमर लगा लूँगी. आई वुड लाइक टू डू माई आई मेकअप फर्स्ट एंड देन आई विल गो फॉर द फाउंडेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप. मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं. बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है हमें. विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडिंग ब्रश आई विल ब्लेंड माय कंसीलर. आई विल ब्लेंड इट नाइसली एंड इवनली थ्रू आउट माय आईज. दिस इज न्यूट कलर पैलेट. इट इज हैविंग द ब्यूटीफुल शेड्स. तो यहाँ पर मैंने अपना क्रीज ब्रश ले लिया है जो रोजिया ब्रांड से है. विल स्टार्ट विद द क्रीज एरिया. तो हमने क्रीसिंग कर ली है अपने आईज की. I have this other very beautiful palette from Mars, which is having 36 beautiful shades. I'll share the link below in the description box for this. So I'll be taking this nice grey color to fill in my eye edges. Now I'll be using this metallic beige color for my eye edges. Brushes clean करना बहुत जरूरी है and after every makeup please do clean your brush. वरना किसी का color किसी में रह जाएगा and then you will be ending up blending different colors on your eyes. I'll just highlight my eyebrow edges with this nice shimmer white color. Now it's time to blend the eyeshadows. So here I'm taking a round brush from Oriflame. It is a blending brush. So very, very slowly I just blend. Now I'm taking this color again which I have used before, I'm just touching just a bit. I'll just blend this part of my eye as well. Now I want to highlight my crease area, this area. So I'll be using some glitter. Here I am using Maybelline highlighter.
Now I'll do my eyebrows. To fill in my eyebrows, I'll be taking this nice grey color from the same palette. Now, if you are following me, you already know that I am gonna use my old mascara, which is from Oriflame. Now I am using it to shape in my eyebrows and give the color. Can you see the difference between both? Now these are like, this is like nicely combed one. अभी मेरी आईब्रोज मैंने बना ली है, अब हम आंखों के नीचे कंसीलर करेंगे ताकि हम आंखों के नीचे भी अपना मेकअप कर पाए। तो आंखों के नीचे कंसीलिंग के लिए थोड़ा सा हमने अगेन थोड़ा सा कंसीलर लिया है, तो कंसीलर लगा देंगे एंड देन अगेन द हेल्प ऑफ माय ब्रश आई विल ब्लेंड इट आउट। नीचे मैंने कंसीलर बाद में इसलिए लगाया है ताकि जो भी एक्सेस कलर होगा, जो फॉल आउट होगा एक्सेस आई शेड्स का, वो कवर हो पाए। आप अपने हाथ को बहुत जेंटल रखिए जब भी आप आई का मेकअप कर रहे हैं। डोंट गो सो हार्श ऑन योर आईज। आई हैव ब्लेंडेड इट नाइसली, इवन जो एक्सेस यहाँ पर आई शेड का कलर आ गया था दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड विद माई कंसीलर। प्राइमर को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अदरवाइज अंडर आई एरिया में आपके रिंकल्स पड़ जाएंगे। डन। यहाँ पर थोड़ा लूज पाउडर अपनी आंखों के नीचे लगा लिया टू गिव इट ए फाइन टच, लेटर वी विल रिमूव इट। I'll take my highlighter again and I'll just give a little touch on the edges. Again, I'm taking a Oriflame eyeliner, which is brand new. I'm opening now itself, so. Go with it. I'm using my eyeliner on the lower lid also, just a bit. Just 3/4 of the starting point and 3/4 of the ending point. Then we'll go for another eye. अगर आपका आईलाइनर अच्छे से लगा हो ना तो आधा तो आपका मेकअप वैसे ही अच्छा हो जाएगा। I like this type of liner, wing liner. You can go with very thin liner also, you can go without wing liner also. Again, 3/4 of my lower eyelid. Now, I'll go with my kajal. Now I'll just finish it up with the gold color pencil. Let's go for the foundation for the rest of the face. So I've taken my Oriflame Colourwork foundation, which suits me well.
इसको थोड़ा हाथ में मैं लेकर थोड़ी देर रब कर लेती हूँ ताकि ये मेरे स्किन टेम्परेचर को मैच कर पाए. देन आई विल बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. Now with the help of the blending brush, we'll blend it. अभी हमारा फाउंडेशन भी फिनिश हो गया, सो लेट्स डू द कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ली है स्मैश बॉक्स की कॉन्टोर किट. आई विल बी यूजिंग सेंटर कलर which is dark beige color for my skin. Then draw your jawline. Can you see the lift after the contouring? Nose के लिए मैं थोड़ा पतला brush ले रही हूँ contouring के लिए. मुझे अपनी नोज को थोड़ा पतला दिखाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा कंसीलर लगा दूंगी सेंटर में. जस्ट ऑन द दिस पार्ट देन आई विल जस्ट ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर. आई विल जस्ट रीडू द कंटूरिंग फॉर माय नोज ओनली. Then I'll take my highlighter again and I'll just do a little touch up wherever I want my face to be highlighted. मैंने यहाँ पर बहुत ही थिन वाला फ्लैट ब्रश लिया हुआ है हाइलाइटिंग के लिए बिकॉज जहाँ भी मुझे बहुत थोड़ा हाइलाइटिंग करना है वहीं पर ये ब्रश यूज कर. Can you see the difference? Now we'll go for the blush on. I have the very beautiful in color blush on. We'll go with this. The blush on itself having little sheen, so in daytime it will look just perfect. So my makeup is almost done. अब हम लगाएंगे अपने लिपस्टिक. पहले हम लेंगे लिप लाइनर विच इज अगेन फ्रॉम दिस इज फ्रॉम लैक्मे ब्राउन कलर. अब मैं अपने मेकअप को फिनिश करूंगी पिंक कलर लिप ग्लॉस से. ये एवॉन से है लिप ग्लेज शाइन. Last but not the least, mascara. So, यहाँ पर मैं अपने मस्कारा को दो कोट दूंगी क्योंकि उससे लैशेज और थोड़ा लंबे लगते हैं. And it's done. I hope आपने ये वीडियो इंजॉय किया, ये मेकअप लुक इंजॉय किया और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे. Also, I have given the link below in the description box for most of the product which I have used in this makeup look.
तो मेरे साथ बने रहिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन इवन मेल मी, आई हैव गिवन माय मेल आईडी बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन सी या।